नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि अंग्रेज किस तरीके से भारत में फैल पाए, यानी कह सकते हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया ये ब्रिटिश कैसे कर पाए, क्या इनका तरीका रहा भारत को जीतने का। अभी तक के कहानी में, अभी तक के एपिसोड में आपको पता चला कि अंग्रेज मराठों के साथ, सिखों के साथ, मैसूर के साथ, हैदराबाद के साथ और बंगाल के साथ क्या किए। लेकिन सवाल है कि अंग्रेज अपने हर दांव में कामयाब कैसे होते जा रहे थे। क्या ऐसा अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था, क्या ऐसा उनका प्लानिंग रहा था कि अंग्रेज अपने सारे के सारे चाल में हम भारतीय राजाओं को सह और मात देते गए। तो चलिए आज की कहानी में, आज के इस एपिसोड में हम सभी इसे जानने का प्रयास करते हैं। अगर अंग्रेजों के 100 सालों का हम इतिहास देखें, मात्र 100 साल का भी मैं बात कर रहा हूं, 1757 से लेकर के 1857 यानी 1857 तक, उस रिवोल्ट तक का कहानी को अगर देखें, तो ये अंग्रेज भारत में जो फैले और अपने सत्ता को कंसोलिडेट किए, मजबूत किए, उसके लिए अंग्रेजों ने दोहरी नीति पर चला। एक नीति था युद्ध करना और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेना, लेकिन दूसरा नीति था एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, जहां पर अंग्रेज हम भारतीय राजे रजवाड़ों के साथ डिप्लोमेसी नीति लगाया करते थे। वो जानने समझने का प्रयास किया करते थे और ये जानने समझने का प्रयास किया करते थे कि हम भारतीय राजाओं की जरूरत क्या है, और उन्हें पता चला कि भारतीय राजाओं का जरूरत है सुरक्षा, सिक्योरिटी, और अंग्रेज हमें डराना शुरू किए और उस खौफ के बाजार में वो अपने राजनीति को चमकाते गए। जैसे कोई ढोंगी आपको भगवान के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर डरा करके आपसे पैसे वसूल लेता है, उसी तरह से अंग्रेज हमें विदेशी आक्रांताओं के खौफ का बाजार हमारे राजे रजवाड़ों को मन में बैठा करके उनसे उनकी रियासत को छीनने का प्रयास करने लगे और उसमें भी सफल होते गए। तो अगर जब हम बात करेंगे युद्ध के बारे में, तो वहां पर हमें बंगाल, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, सिंध, पंजाब, ये सभी हमने देख लिया। लेकिन जब बात हम करेंगे डिप्लोमेसी के बारे में, षड्यंत्र के बारे में, तो उसमें देखना अभी कहानी बाकी है। अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए 3 षड्यंत्रकारी चालों को चला, जिसमें से पहला है रिंग ऑफेंस यानी घेरे की नीति, दूसरा है सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि, और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी वैग पत्र नीति। एक एक करके आज की कहानी में इन तीनों के तीनों नीतियों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस नीति को समझना इतना आसान भी नहीं, और इसे आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। जब हम रिंग ऑफ फेंस का बात करते हैं, तो यहां पर हमें क्या दिखता है, 1773 में आए रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से वॉरेन हॉस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो जब ये गवर्नर जनरल की गद्दी पर बैठे, गवर्नर जनरल बने, उस वक्त अंग्रेजों के लिए भारत पे कब्जा करना एक पीस ऑफ केक नहीं था, उस वक्त भी काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के सत्ता को चुनौती देने के लिए बहुत सारे राजे रजवाड़े अभी भी तैयार थे और वो पूरे ताकत के साथ, दमखम के साथ बैठे हुए थे। चाहे वो मराठे हो, बंगाल हो, मैसूर हो, हैदराबाद हो, ये सारे के सारे अपने तर्ज पर कहीं ना कहीं अभी भी शक्ति रखते थे, इसके बावजूद कि अंग्रेजों से हारे हुए थे पहले भी, इसके बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं इनके हाथ में कुछ ना कुछ तो शक्ति बचा ही था, और उन्हीं ताकतों के माध्यम से ये अंग्रेजी सत्ता को हमेशा चुनौती देते रहते थे। वैसे स्थिति में वॉरेन हॉस्टिंग्स ने बड़ा अच्छा एक तरकीब लगाया, क्योंकि अभी तक इन्हें एक चीज तो क्लियर हो चुका था कि भारत के ज्यादातर राजे रजवाड़े अपने हाथ में आ चुके हैं, हार चुके हैं, अब जो रह गए हैं उन पर क्या डोरा डालें। तो उनके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, खौफ का बाजार शुरू किया। बोले कोई एक रियासत
जिसे मुझे कब्जा में रखना है। कब्जा में कैसे ले, वो मान नहीं रहा है, उससे हम युद्ध जीत नहीं सकते। ऐसा करते हैं, उसको चारों तरफ से घेरते हैं। उस रियासत के आसपास के जितने भी राजे रजवाड़े हैं, उन सबों से हम दोस्ती बनाते हैं। उन सबों के दिल में एक दहशत बनाते हैं कि ये जो बीच में बैठा हुआ राजा है कभी भी आप पर आक्रमण कर सकता है, तो बेहतर है कि आप हमारी सेना को लो, अपनी भी सेना रखो और हमारी भी सेना लो, हमारी सेना आपकी सेना को ट्रेनिंग देगी और आपको मजबूत करेगी, ताकि ये बीच वाला राजा कभी भी आप पर हमला ना कर पाए, और करे तो बच ना पाए। तो इस तरीके से ये खौफ का बाजार बना रहे थे, ये खौफ का बाजार बना रहे थे कि अफगानिस्तान अगर भारत पर अटैक कर दे तो वो अवध वालों को ऑफर मुहैया कराए कि आपके पास तो अपनी सेना है, आप हमारी भी सेना रख लो, हमारी सेना का जो भी खर्चा होगा वो आप उठाओगे, बदले में हमारी सेना आपकी सेनाओं को ट्रेनिंग देगी, आपके सेना के साथ मिलकर के युद्ध लड़ेगी, हम आपको हथियार मुहैया कराएंगे। और भारत के राजे रजवाड़े इस बात पे खुश होने लगे कि वाह, अंततः यूरोपीय शक्ति हमारी मदद करने को रेडी हो गई, क्योंकि यूरोपियंस ने भारत में अपना एक गुडविल बना रखा था, भारतीय सेनाओं के बीच में, भारतीय राजाओं के बीच में अपना एक बाजार बना लिया था, एक गुडविल बना लिया था, एक नेम फेम बना लिया था कि छोटी सी भी यूरोपीय सेनाओं के सामने बड़ी बड़ी भारतीय सेनाएं टिक नहीं पाती है। और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा रहे थे ये अंग्रेज। ये अंग्रेज बोले कि ये जो राजा है बीच में बैठा हुआ, ये आप चारों तरफ के राजाओं पर अटैक करेगा, आप सभी छोटे छोटे हो, कभी भी आपको अपने अंडर ले सकता, आप हमारी सेनाओं का मदद लो। और यही कहलाया रिंग ऑफ फेंस, यानी घेरे की नीति, यानी किसी राजे के रजवाड़े को, किसी रियासत को चारों तरफ से घेर लेना, ताकि उसे कोई बाहरी मदद ना मिल पाए और उसके बाद उस पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचना। ये घेरे की नीति तो बस एक तरुण अवस्था है अंग्रेजों के पूरे षड्यंत्र काल का, अब इसका युवा अवस्था आएगा जिसमें ये घेरे की नीति बन जाएगी सब्सिडरी अलायंस, यानी सहायक संधि में, और जब ये अपने चरम पर होगी तब इस नीति का नाम हो जाएगा व्यागपत नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। सवाल है कैसे, क्या ये घेरे की नीति आखिरी है या इसके बाद भी कुछ है, और अगर है तो उन दोनों के बाद बीच में संबंध कैसा है। घेरे की नीति को क्यों कहा जाता है कि अंग्रेजों के भारत में षड्यंत्र का ये पहला सिक्का मात्र था, और यही पहला सिक्का बाकी सारे सिक्कों को खींच लाया, ये एक ऐसा चाबी था जिसने सारे तालों को खोल दिया। तो इस पूरी कहानी को हम लोग जानेंगे अपने आगे के वीडियोज में। तो इन सबों को जानने के लिए आप हमारे साथ देखते रहे हमारे इस अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें हम सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारतीय इतिहास को एक कहानी के तौर पर आप सबों के सामने रख दिया जाए। ये यूट्यूब के इतिहास में इतने विस्तार में पहली बार हो रहा है, तो आप सभी इसे अधिक से अधिक सपोर्ट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने बाकी सोशल मीडिया में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें सपोर्ट मिले और हम और अधिक काम कर पाएं इस पे। ये तो हमारा पहल मात्र है, अगर ये बेहतर तरीके से सक्सेस हुआ तो धीरे धीरे मैं और भी कहानियों को लाऊंगा, और भी सब्जेक्ट को कहानी के तौर पर लाऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ना आसान हो। आम नागरिक जिन्हें इन सभी कहानियों से कोई सीधा संबंध नहीं बनता हो, उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट जागे और वो भी भारत के कहानी को जानने में रुचि दिखाएं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।